Today we study about the second principle in physics, reductionism. First principle हम already previous class में पढ़ चुके थे, जो कि क्या था हमारा unification. Unification में हम क्या करते थे, unification में हम क्या करते थे कि कुछ फेनोमेना जो थी उनको हम किसी एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर देते थे. जैसे ग्रेविटेशनल लॉ जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, उसके ज़रिए हम अर्थ की ग्रेविटी को, सन और अर्थ के बीच में वर्क करने वाले फोर्स को, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस तरीके की सभी फेनोमेना को हम एक्सप्लेन करते थे. वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन. कि हम कोई एक यूनिवर्सल लॉ दे देते हैं जो वो एक टाइप की सभी इवेंट के लिए अप्लीकेबल हो, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन. सेकंड क्या है, रिडक्शनिज्म. रिडक्शनिज्म में हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सप्लेन ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स. मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम. माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है कि जो वो सिस्टम थोड़ा बड़ा हो. जब बड़े सिस्टम होंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, तो अब हमें पूरे सिस्टम की स्टडी अगर करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम उसके माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को हम जान लेते हैं. कि जैसे इसका एग्जांपल क्या है, कि थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मोडायनामिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को किसी भी बल्क सिस्टम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. जैसे टम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इन सब का हम कैलकुलेशन करते हैं. फिर बाद में क्या किया गया, कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक थियरी में और स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं. फिर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की बहुत सी ब्रांचेज हैं, जिनमें से कुछ ब्रांच ये दी गई हैं. फर्स्ट ब्रांच क्या है, मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या है, कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो कि क्या करती है, डील्स विद द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज एट लो स्पीड्स. कि लो स्पीड्स पे जो वो कोई भी पार्टिकल लिया जा रहा है, जैसे हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये किस में, हमारा मैकेनिक्स में है. और मैकेनिक्स के बारे में अलेवेंथ में मैक्सिमम चैप्टर मैकेनिक्स के हैं. कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन एनी प्लेन, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ई फोर्सेज बिटवीन टू बॉडीज, या ग्रेविटेशनल फोर्सेज बिटवीन अर्थ एंड सन, ये सब क्या है, हमारा मैकेनिक्स में है. लो स्पीड यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब स्पीड अगर काफ़ी हाई हो जाती है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, तब वहाँ पे उसका मास जो होता है वो चेंज हो जाता है. उसकी स्टडी हम रिलेटिविटी वाले ब्रांच में करते हैं. सेकंड क्या है हमारा, ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. कि ये क्या, ऑप्टिक्स में हम लाइट के नेचर, प्रोपेगेशन की, ये कैसे प्रोपेगेट होती है, इसका नेचर क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, ये कौन कौन सी फेनामेना को रिप्रेजेंट करती हैं, उन फेनामेना का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, इन सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं. जैसे लाइट में हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लैक्शन, और ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इनकी वेलोसिटी ये वैक्यूम में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है. तो ये सब स्टडी हम ऑप्टिक्स में करते हैं. नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स.
थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं, इट डील्स विथ ए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड इज कंसर्न्ड विद द चेंजेज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर एंट्रोपी एक्सेट्रा। किसमें हम क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि ये उसकी जो वो कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं अगर उसके पार्टिकल्स को चेंज किया जाए या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज किया जाए। जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के बारे में जो स्टडी हम करते हैं वो थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है, इट डील्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विथ चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज, कि चार्ज्ड और मैग्नेटिक बॉडीज के बीच में चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज के कारण जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फिनोमेना डेवलप होती है। जैसे हम जानते हैं दो सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को वो रिपल करते हैं और दो अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब हम किसी वायर में से एक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना होता है उसके लिए बायो सेवर्ट लॉ ने अपना एक फार्मूला दिया था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इन सब की स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि जैसे जो वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जैसे एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब मॉलिक्यूल्स के बारे में इनसे एसोसिएटेड जो भी फेनामेना है या इनका जो बिहेवियर है उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में करते हैं। फिर रिलेटिविटी क्या है, इट इज़ थियरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर, कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें उन फेनामेना के बारे में स्टडी करते हैं या जिनकी वेलोसिटी जो होती है वो लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल होती है, तो उनकी स्टडी रिलेटिविटी ऑफ थियरी में की जाती है।